अनिल जी, पहली टिप्पणी मैं आपके चाहता हूं। इस पूरे दो भाषण दिए उन्होंने दोनों सदनों में, दोनों का जो फोकस रहा वो कांग्रेस रही, कांग्रेस पर अटैक रहा पूरा केंद्रित, बिल्कुल फोकस्ड अटैक कांग्रेस, नेहरू, गांधी परिवार, ये तीनों उनके निशाने पर रहे। लेकिन आज के भाषण में उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस की तस्वीर को ऐसे पेंट करने की कोशिश की कि वो आरक्षण की विरोधी रही है। आरक्षण की विरोधी रही है मतलब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के भी विरोधी रही है। ये जो एजेंडा लेकर विपक्ष चल रहा था, या राहुल गांधी जो बार बार दोहरा रहे हैं जातिवार जनगणना का और आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने, क्या इस एजेंडे की धार कम करना या वो एजेंडे को छीन कर अपने पास ले आना, ये कोशिश है मोदी जी की? देखिए मुकेश जी, जिस दिन से राहुल गांधी पैदल चलना शुरू हुए हैं, खलबली मची हुई है और ऐसा प्रयास हो रहा है लगातार तमाम तरह के प्रचारकों के सामने कि लोग ये कहने लगे हैं कि खास तौर से मैंने 5 दिन 5 अलग अलग डिबेट प्रशांत किशोर की देखी है, जिसमें लगातार उन्होंने 5ों डिबेट में कहा है कि ये राहुल गांधी के लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है पैदल चलने का, यात्रा करने का, उससे नुकसान होगा, कमांडर को दिल्ली में रहना चाहिए। चुनाव आ गया, लगा 8-9 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हो जाना चाहिए, हो सकता है उससे पहले हो जाए, हफ्ता पहले। अब ऐसे में जो आदमी, आप मेरे को बताइए कहां तो कांग्रेस को रिडिक्यूल कर रहे हैं बीजेपी के लोग, कहां कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा है कि 40 सीट भी आपकी आ जाएंगी तो मैं देखूंगा, आप दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी में उस निराशा की ओर इंगित करती हैं कि जहां कांग्रेस से कैसे मुकाबला किया जाए, कांग्रेस से कैसे निपटा जाए, क्योंकि जिसको पप्पू बनाने में लगे हुए थे ये लोग, वो पप्पू शेर हो गया, मैदान में घूम रहा है। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं लगातार कह भी रहा हूं कि राहुल गांधी को खबरें हैं, मालूम है, राहुल गांधी समय पे बोलते हैं या इशारा करते हैं। जैसे नीतीश कुमार का एजेंडा अगर आप देखें, नीतीश कुमार जाने वाले बीजेपी में चले गए, ये बात राहुल गांधी को मालूम थी, इसीलिए इंडिया का कन्वीनर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को नहीं बनने दिया। उनको ये भी मालूम है कि केजरीवाल जो है नूरा कुश्ती में है, केजरीवाल को पास नहीं फटकने दे, उनको सिर्फ थोड़ा सा गुरेज जो नजर आता है वो भी डील हो जाएगा, क्योंकि जो था चीजें लगी हुई हैं फोर्सेस ममता बनर्जी को मनाने में। ममता बनर्जी अधीर रंजन को पसंद नहीं करती, कांग्रेस को पसंद करती है, ये डायनेमिक्स है। सीपीएम पार्टी को नहीं पसंद करती, वो सीताराम येचुरी को पसंद करती है। मैं आऊंगा, आपकी बात समझ रहा हूँ, जो मैं आप जो सुनना चाहते हैं, तो मैं जी विषयांतर नहीं कर रहा हूं, तो जी ये अंतर विरोध है, हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि विपक्ष जिस तरह से, कि अगर ठुकाई नहीं होगी तो विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो क्या होगा। अगर बकौल प्रशांत किशोर ही हम बात करें, क्योंकि प्रशांत किशोर आजकल सबसे बड़े प्रवक्ता हैं इस देश में, पिछले एक हफ्ते से नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि 62% विपक्ष है, तो 62% का अगर 60% वोट भी मिल जाए तो 36-37% बैठता है, तो वो कैसे वोट आएगा, आप मेरे को बताइए। ये सबसे बड़ी चिंता मोदी की है। और इस बहस से अब आने से पहले हम सब लोग ये बात कर रहे थे, विपक्ष तो बिखरा हुआ है और विपक्ष कैसे आएगा। पूर्णिमा जी पूछ रही थी विपक्ष का तो कोई एजेंडा नहीं है। मैं ये मान रहा हूं कि जब 1977 में भी विपक्ष बिखरा हुआ था, विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं था, लोग विपक्ष बने, जनमानस विपक्ष हो गया। जो आज का माहौल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी राममय करने जा रही है, आप ये देखिए, तीनों चुनावों में तीसरा चुनाव होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी छठे जा रही है, हर बार गोल पोस्ट बदले, हर बार गोल पोस्ट, इस बार भी गोल पोस्ट बदले हुए, आप देखिए तेज गति से विकास हो रहा है। आप मेरे को बताइए, जिस देश में 459 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है और 160 रुपए किलो अदरक बिक रहा है, उसमें प्रधानमंत्री महंगाई की बात नहीं कर रहा है, 20 करोड़ बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या, मुद्दा नहीं, मुद्दा यह है कि कांग्रेस पे लगातार प्रहार किया जाए, जिस तरह से राज्यसभा में खिल्ली उड़ाई खड़गे की और कहा कि आज
इरादतन कहा, मतलब इशारतन कहा कि केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश अगल बगल नहीं है तो बोलने की छूट है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है लोकसभा में, राज्यसभा में या किसी भी सदन में बोलने का। और लोकसभा में भी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी नरेंद्र मोदी की, उनको लग रहा है कि मैं निरंकुश, और निरंकुश होने का प्रमाण भी मिल गया है मुंबई में जिस तरह से ईडी की फाइलें मिली है और एक गैंग ने 100 करोड़ रुपए की वसूली की है। ये बड़ा गंभीर विषय है, देश के सामने सारे सवाल खड़े हैं और नरेंद्र मोदी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.8% से बढ़ रही है और आप चुप है। किसानों का 100 करोड़ रुपया चीनी का देना है उस पर चुप है आप। लेकिन लगातार चूंकि नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कांग्रेस पे हमला किए बिना और कांग्रेस को छेड़े बिना ये बात बनेगी नहीं। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, अब सबसे बड़ा अब आप देखिए हेमंत सोरेन ने कल जो परसों बयान दिया मंडे को विधानसभा में, हेमंत सोरेन ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि हम पे हमला इसलिए किया जा रहा है कि एक आदिवासी इनकी सफेद कमीज के बराबर आकर के बैठ गया, इसलिए ये आदिवासियों पे हमला हो रहा है, इनको अच्छा लगता नहीं। ये बात नीचे तक चली गई है। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आम आदमी विरोधी है, ये साहूकारों की पार्टी है, साहूकारों का भला चाहती है। ये इस बात को समझाने के लिए इंडिकेशन इन के तौर पे आप राष्ट्रपति का नाम लेते हैं, कभी खुद कहते हैं मैं दलित हूँ। नरेंद्र मोदी तो दलित नहीं है, वो तो एक नोटिफिकेशन द्वारा दलित हुए हैं, पूरे देश को मालूम है। लेकिन त्रासदी ये है क्योंकि नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा हुआ है और विपक्ष में राहुल गांधी को छोड़ करके उस तरह का कद कोई सामने नहीं आ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।